इसमें से 12 हम लोग का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है और 4 असर्शन रीजन है, 16 हो गया, और 2 केस बेस्ड स्टडी है जिसमें से 4-4 8 मार्क्स का है, वो भी हम लोग का उसमें ऑब्जेक्टिव उसमें ठीक है, उसमें भी सेम दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आज चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट हम लोग ये करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा इसमें लॉन्ग हो जाता है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है क्या, सेट वन में देखेंगे कि टू चार्जेस प्लस क्यू ईच आर कैप्ड टू ए डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, ए थर्ड चार्ज माइनस टू क्यू इज प्लेस्ड मिड वे बिटवीन देम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यू निकालने के लिए हम लोग का कूलम्स लॉ का प्रयोग करते हैं कि नहीं, तो कूलम्स लॉ के माध्यम से हम लोग निकालेंगे, यानी कि हम ऑप्शन डायरेक्ट बता दे रहे हैं इसमें क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा कैलकुलेशन करने में, आप अपने लोग इसको चेक कर लीजिए किसका सही है, ठीक है। तो पहला नंबर जो है यानी कि पहला का ये सी मारेंगे, पहला का सी यानी कि -7 कूलम का स्क्वायर, सॉरी सी जो होगा फर्स्ट का सी -7 क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये जो ऑप्शन है इसको मारेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन -7 पीसी पिको कूलम यहाँ पे है एंड +4 पिको कूलम चार्जेस रिस्पेक्टिवली, दे आर ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विद ए थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3 एंड देन सेपरेटेड, इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज -2 PC, द इनिशियल चार्ज ऑन B3 वाज, तो B3 पे कितना होगा इनिशियल उसको ही करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे चार्ज लॉ फॉर्मूला, यानी कि दूसरा का जो आंसर होगा वो बी नंबर मारेंगे, ठीक है, बी नंबर यानी कि -3 PC, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे, द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन करता है, तो इसमें आंसर मारेंगे ए, तीसरा का ए होगा जो बतला रहा है देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस RN ऑफ nth ऑर्बिट इन बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरीज विथ n एज, इसमें जो वेरिएशन होगा वो क्वेश्चन नंबर यानी 4 को आप देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी RN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, RN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, ठीक है। ये है सेट 1 फिजिक्स सेट 1 CBSE 2024 के, ठीक है, हम उसके सॉल्यूशन हम लोग ये कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को टच मिलाने कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बना चुके हैं उसको, आप देख लीजिए कितना सही है, ठीक है। जल्दी से इसको अच्छा से आप मिला लीजिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अच्छा है तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है स्ट्रेट वायर इज कैप्ट हॉरिजेंटली अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इफ ए स्टेडी करेंट फ्लोस इन वायर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट अबव द वायर विल पॉइंट टुवर्ड्स, तो किधर की ओर ये बतलाएगा, ठीक है, तो ये नॉर्थ की ओर बतलाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आप इसको सी मारेंगे नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की ओर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, द मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज, डाई इसमें 3 हम लोग पढ़े थे, डाई पारा और फेरो, तो इसमें मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी जो होता है कितना होगा, इसमें बहुत कम होता है, ठीक है, यानी कि 6 का ए नंबर मारेंगे, 6 का ए, इसका जो आंसर होगा स्मॉल, ठीक है, स्मॉल एंड निगेटिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये गैल्वेनोमीटर ऑफ रेंज रेजिस्टेंस 100 ओम इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 1 ampere यूजिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ohm, द एमीटर व्हील शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ अबाउट, जब आप इसके बारे में आप ये तो प्रैक्टिकल भी किए होंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिकल भी किए होंगे आप लोग,
ये ठीक है, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है लास्ट डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों जो टर्मिनल को चेंज करते हैं, ठीक है, पोटेंशियोमीटर के माध्यम से, ठीक है, स्लाइड ब्रिज वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से किए थे, तो इसमें दोनों और डिफ्लेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव होता है। और चलिए इसमें जो होगा करेक्ट आंसर होगा सेवन का बी होगा, सेवन का बी होगा जो इसका होगा एक, यानी वन मिली एम्पियर होगा, ठीक है, वन एम ए, एम देखिए यहाँ पे मिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन मिली एम्पियर, मिली टेन टू द पावर माइनस थ्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एट नंबर, ए सर्कुलर लूप ए ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करेंट आई, अनदर सर्कुलर लूप बी ऑफ रेडियस आर, जो यहाँ पे आर बाय ट्वेंटी का दिया हुआ है, इज प्लेस्ड कंसेंट्रिक इन द प्लेन ऑफ ए, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ लूप बी इज प्रोपोर्शनल टू, देखो बी में इसमें जो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, यानी कि एट नंबर का ए मारेंगे, एट का ए दैट इज आंसर आर होगा, ठीक है। नाइन नंबर, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल ऑफ टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस एल वन एंड एल टू विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द वैल्यू ऑफ एल वन बाय एल टू इज, यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो बात कर रहा है, ठीक है, ओमेगा यहाँ क्या बतला रहा है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/T, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π f भी लिखते हैं ना, 2π f भी लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 1/T जो होता है, 1/टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हम लोग के पास दिया है डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, यानी कि 9 का जो होगा, 9 का होगा वो डी ऑप्शन मारेंगे 1/3, 9 का डी, ठीक है, 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस की ओर जब चलेंगे, एक्स वाई जेड, यानी कोऑर्डिनेट्स की हम लोग बात करते हैं, जेड में आएगा 0, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ये होगा हम लोग का 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। ए क्वाइल ऑफ एन टर्न इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल, वेक्टर बी चेंजेस विथ टाइम एज बी इज इक्वल टू बी नॉट कॉस 2π/T, वेयर टी इज टाइम पीरियड, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द क्वाइल विल बी मैक्सिमम एट, देखो ये मैक्सिमम जब होगा इस केस में, यहाँ पे ऑप्शन सभी जो दिया हुआ है, ठीक है, सभी ऑप्शन रॉन्ग है, यानी 11 नंबर का यहाँ पे कि नन होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज आपको इसमें यहाँ पे फ्री मार्क्स मिलेगा, ठीक है, ये क्योंकि सब ऑप्शन गलत है, तो 11 नंबर सेट वन याद रखिए, जिसका भी है यहाँ पे 11 नंबर में 1 मार्क्स आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि सभी ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है, सब ऑप्शन गलत है, इसलिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 1 नंबर यहाँ पे फ्री मिल रहा है इसमें सेट वन में, और सेट थर्ड जिसका था उसमें से, सेट थर्ड की हम बात कर रहे हैं, उसमें से 5 और 6 क्वेश्चन रॉन्ग था, 5-6 रॉन्ग था, यानी 2 नंबर उसको सही मिल रहा था, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं, इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन आइटम एज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीजेस दे अपीयर, तो यह डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, यानी कि क्लोजर टूगेदर एंड वीक इन इंटेंसिटी, डी नंबर होगा क्लोजर टूगेदर एंड वीक इंटेंसिटी, ठीक है, ये डी नंबर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग एसर्शन रीजन हम लोग बात करते हैं, तो एसर्शन रीजन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला कह रहा है कि इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ए बी सी डी 4 है, हम लोग 13 क्वेश्चन को देखेंगे। एसर्शन ए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ जिंक वेन इट इज इरेडिएटेड बाय येलो लाइट, ठीक है, ये तो रॉन्ग ही लग रहा है। रीजन
एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए फोटोन ऑफ येलो लाइट इज मोर देन द वर्क फंक्शन. ये भी रॉन्ग लग रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन डी मान लीजिए. ये ऑप्शन 13 का डी होगा. डी बोले तो बोथ एसर्शन एंड रीजन फॉल्स है, दोनों फॉल्स है. चलिए हम लोग 15 की बात करेंगे. 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि एसर्शन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है. एंड रीजन देखेंगे द चार्ज कैरीज इन मेटल आर नेगेटिवली चार्ज वेयर एज द मेजोरिटी चार्ज कैरीज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर पॉजिटिवली चार्ज. अब देखिए ये दोनों तो सही है, लेकिन रीजन आर जो है सो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ये 15 का बी क्वेश्चन नंबर 14 इसका हम लोग बी मारेंगे. 14 का बी ठीक है, सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है. चलिए 15 नंबर. अब हम लोग 15 के बारे में बात करेंगे. Assertion, when electron drift in a conductor, it does not mean that all free electrons in the conductors are moving in the same direction. Reason क्या बतला रहा है? Reason है the drift velocity is superposed over large random velocities of electron. देखिए दोनों correct है, यानी कि assertion भी correct है और reason भी correct है. और रीजन जो है वो assertion को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा इसका ए नंबर 15 का ए. 16 assertion इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एनर्जी रिड्यूस्ड इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज इट इंक्रीजेस इन अनदर रीजन एंड प्रोड्यूसेस अ ब्राइट फ्रिंज. रीजन को पढ़िए. रीजन आर कह रहा है दिस हैपन बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन द फेनोमेनॉन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. देखिए ये दोनों जो है यानी बोल सकते हैं इसका यानी assertion ए इज ट्रू आर इज फॉल्स होगा. सो इसमें आप सी नंबर मारिए, ठीक है. 16 का सी. ये टोटल हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है. अब थोड़ा सा 29 को देखिए और 30 को. दो केस में से स्टडी है, चार चार मार्क्स का है, ठीक है. ये भी हम लोग का दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है, ठीक है. तो क्वेश्चन सबको इसको आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि लॉन्ग थोड़ा सा है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेन यानी 29 की बात करें, 29 क्वेश्चन का पहला नंबर, 29 का फर्स्ट. इस क्वेश्चन में जो कह रहा कि व्हेन जर्मेनियम जीई इज डॉप्ड विद पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डॉप्ड इज अबाउट. तब जब इसमें यानी डॉप्ड करने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इसमें एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कितना रिक्वायर होगा, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर इसमें आप देखेंगे सबका कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा बी नंबर, ठीक है. बी नंबर यानी कि 1.01 ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे, ठीक है. दूसरा नंबर चलेंगे इसका, ठीक है. 29 का टू कह रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरीज इन ए सेमीकंडक्टर इज 2×10^10 पर सेंटीमीटर क्यूब. इट इज डॉप्ड विथ पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी आइटम्स. एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ होल्स इन इट बिकम्स 8×10^3 पर सेंटीमीटर क्यूब. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर इज, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, ठीक है. पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट सब बता चुके हैं ना, हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, इसमें देख लीजिएगा. चलिए इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा 2 का डी इसका होगा 2 का डी 5×10^22 ठीक है पर मीटर क्यूब, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें. क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए और बी, ठीक है. थर्ड का ए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ये ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन के समय में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन इनटू पी रीजन एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन इनटू
एन रीजन। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा एन से पी में और होल पी से एन में करता है, ठीक है। समझ लीजिए कि इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा एन से पी रीजन में और होल जो होगा जस्ट उसका रिवर्स होता है यानी पी से एन रीजन में जाएगा। मतलब करेक्ट इसका 3A का C होगा, 3A का C होगा, ठीक है। चलिए तीसरा, इसका और में क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा का यानी इसी का एक और ऑप्शन दिया हुआ है बी का, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इनिशियली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन ठीक है, उसमें जो होगा ए नंबर इसका आंसर मारेंगे, ए नंबर यानी डिफ्यूजन करेंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करेंट इज स्मॉल। डिफ्यूजन करेंट क्या होगा, लार्ज होगा और डिफ्यूज करेंट स्मॉल होगा। फोर्थ नंबर एन एसी वोल्टेज वी इक्वल टू 0.5 साइन 100 पाइटी वोल्ट इज अप्लाइड इन टर्न्स अक्रॉस ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस देम रिस्पेक्टिवली विल। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सब वोल्टेज हम लोग के पास दिया हुआ है, फोर का जो होगा यानी डी नंबर, फोर का डी नंबर मारेंगे, ठीक है। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन था, केस बेस्ड स्टडी का 29 नंबर क्वेश्चन का, ये चार में से लोग ऑप्शन देख लिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 30 का, 30 को भी देख लीजिए जो लेंस से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्टिक्स से हम लोग का दिया हुआ। इसमें कह रहा है कि ए थिन कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आपको पता है, ठीक है, कन्वर्ज कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग कॉन्केव लेंस है ना। चलिए कह रहा कि ए थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड थिन डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सली इन कॉन्टेक्ट, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज। देखो पावर वाला फॉर्मूला लगा दो है ना, पावर वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P is equal to 1/F, ठीक है। तो पहले F निकालना पड़ेगा या अलग अलग करके भी निकाल लीजिए, तो हम यहाँ डायरेक्ट थोड़ा सा बना देंगे, ठीक है। ऑप्शन जो होगा 30 का फर्स्ट का जो होगा वो बी नंबर, 30 का फर्स्ट का बी होगा -5/3 डायोप्टर होगा। पावर को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, डायोप्टर में मेजर करते हैं, ठीक है, पावर को मेजर करेंगे डायोप्टर में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 30 का, ठीक है, 30 का फर्स्ट का बी -5/3 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस आर आर एंड टू आर, इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 4/3 r, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फॉर्मूला इसमें से हम लोग बतलाए थे आपकी जो लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2, ये फॉर्मूला बताए थे ना, प्रूव भी किए थे, इसको देख लीजिएगा आप, इसको आप इस यहां से कैलकुलेट करेंगे इस चीज को, ठीक है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला इसको बता दे रहे हैं, टू दूसरा नंबर का, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा 3/2, ठीक है। तीसरा नंबर, द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जो होगा फोकल लेंथ वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीजेस व्हेन द लेंस इज डिप इन वाटर। देखिए जब पानी में ये करेंगे डिप करेंगे तो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, फोर्थ वन, फोर्थ में इसका क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि यह थीन कॉन्वेक्स लेंस एल ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव मिरर एम ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सली 40 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर, बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द लेंस, द फोकल सॉरी द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म एट
ए डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां पे निकालना है, वी निकालना है। डायग्राम यहां दो दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर है। साइन कन्वेंशन का प्रयोग करेंगे इसमें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैलकुलेट करेंगे 10 सेंटीमीटर, इसका यानी कि बी नंबर इसको मारेंगे 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस के राइट में 10 सेंटीमीटर यानी दोनों के बीच में, ठीक है। और इसी में एक और दिया, ये ए नंबर का था, ठीक है, 4 का ए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, यानी कि इसका बी नंबर यानी 4 का बी, 4 का बी में कह रहा है बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस L1 ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट, अनदर कॉन्वेक्स लेंस L2 ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली एट ए डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर फ्रॉम L1, द नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम L2 विल बी, क्या होगा नेचर, नेचर निकालने के लिए हम लोग इसमें एक एक सभी क्वेश्चन कैसे जिसका नेचर होगा, हम लोग सब टोटल क्वेश्चन इसमें बना चुके हैं, आप देख लेंगे पीछे, ठीक है। तो इसका बी का जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि रियल होगा, रियल और 24 सेंटीमीटर होगा। तो ये टोटल हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं, कितना हो गया, यानी कि 16 + 4 + 4 कितना हो गया ये, ठीक है, 24 मार्क्स ऑब्जेक्टिव उन लोग का। अब इससे मिला लीजिए, यहीं से पता चलेगा पास मार्क्स हम लोग को चाहिए कितना, 23 चाहिए, ठीक है, 23 पास चाहिए, पास से एक अधिक है, आप देख लीजिए कितना सही है, बाकी बात कुछ तो जरूर लिखे होंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग सेट थर्ड का टोटल कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, सॉरी सेट वन और सेट थर्ड दो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। चलिए इसको अच्छा से मिला लीजिए, बाकी बात और डिस्कस करेंगे जैसा होगा, है ना।